आज हम लोग सबसे पहले लिमिट क्या होता है आज उसके बारे में जानेंगे कि लिमिट का यूज कहाँ करते हैं, लिमिट किस प्रकार का होता है, लिमिट में कौन कौन से पार्ट्स नेम होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। इसके बाद लिमिट के बाद लिमिटेड ज्वाइंट के बारे में सीखेंगे कि लिमिटेड ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिमिट जानेंगे कि लिमिट होता क्या है। तो लिमिट एक फास्टनर है जो कि सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है। इस लिमिट को हम सेमी परमानेंट क्यों बोलते हैं, कहीं कहीं किताबों में देखा गया है जिसे परमानेंट का नाम दिया गया, मगर जब हम फास्टनर जब हम लोग पढ़ते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं, टेम्पोरी फास्टनर, सेमी परमानेंट फास्टनर और परमानेंट फास्टनर। तो जो हमारा टेम्पोरी फास्टनर होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, नट बोल्ट स्क्रू। इसके बाद जब हम सेमी परमानेंट की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा लिमिट, और परमानेंट की जब हम बात करते हैं फास्टनर तो उसमें बेल्टिंग ब्रेजिंग ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब तीनों को हम डिस्कस करते हैं कि टेम्पोरी फास्टनर क्यों कहा गया। तो टेम्पोरी जो हमारा फास्टनर है इसमें क्या होता है, अगर हम किसी दो पार्ट्स या दो पार्ट्स से ज़्यादा अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, नट बोल्ट की सहायता से या स्क्रू की सहायता से जोड़ने पर हमारा क्या होता है कि अगर हम उसे ओपन कर सकें, ओपन मतलब डिसेंबल और असेंबल, ठीक है, असेंबल करके हम क्या करते हैं अपने काम को यूज कर सकते हैं। मगर हम चाहते हैं कि न तो हमारा फास्टनर खराब हो न तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो भी न खराब हो, तो नट बोल्ट का हमारा यूज करते हैं। ओपन किए दूसरी जगह काम करना है वहाँ ले जा करके वहाँ भी हम अपना नट बोल्ट कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। जब हम बात करते हैं सेमी परमानेंट की, तो सेमी परमानेंट में क्या होता है कि हमारा रिमिट आता है, तो रिमिट जब हम यूज करते हैं दो प्लेटों को जोड़ने के लिए या दो से अधिक प्लेटों को जोड़ने के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं रिमिट का यूज करते हैं। तो रिमिट जब हम यूज करते हैं तो जैसे कि हम आप देखेंगे बॉयलर में यूज होता है, और छोटे चीज़ों में देखें तो बाल्टी में कढ़ाई में लिमिट का यूज होता है, अगर और बड़े जगहों पर जाए तो जैसे हमारा ब्रिज बन रहा है डैम बन रहा है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं लिमिट का यूज करते हैं। तो जब हम लिमिट यूज किए अगर बाई चांस मान लेते हैं कि कोई प्लेट अगर हमें चेंज करना होगा तो हमारा क्या होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ फास्टनर खराब होता है, हमारी जो प्लेट होती है वो सीधा हमारा क्या होता है सेफ बच जाता है, सिर्फ हमारा फास्टनर खराब होता है और हमारे प्लेटें क्या होती हैं सुरक्षित रह जाती हैं, ठीक है, इसलिए इसको सेमी परमानेंट के अंतर्गत रखा गया है। जब बेल्टिंग की बात करते हैं जो कि हमारा परमानेंट के अंतर्गत आता है, इसमें क्या होता है कि अगर हम दो या दो से अधिक प्लेटों को जोड़ दिए तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो प्लेटें हैं अगर हम उसे रिमूव करना चाहें यानी तोड़ना चाहें तो उसमें फास्टनर और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों हमारा क्या हो जाता है खराब हो जाता है, इसलिए ये परमानेंट के अंतर्गत आता है। समझ गए, ये रहेंगे हमारे फास्टनर की बात। अब हम बात करते हैं रिमिट, तो रिमिट जो होता है इसमें तीन चीज़ें होती हैं, रिमिट में क्या होता है तीन चीज़ें होती हैं, कौन कौन होता है इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। यह है हमारा रिमिट, ठीक है, अब रिमिट में तीन भाग होते हैं, पहला जो हमारा ऊपरी भाग होता है जिसे हम बोलते हैं हेड, जिसे हम बोलते हैं, और जो हमारा जिसे हम बोलते हैं नेक, नेक से अगर हम यहाँ तक लेते हैं, ठीक है, ये हमारा जो हमारा भाग होता है इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं बॉडी अथवा साइज। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं, ध्यान देने की बात क्या है कि जब यहाँ पर बॉडी अथवा सैक, जब एग्जाम में आप जाते हो कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो कभी कभी यहाँ पर सैक का नाम देता है, कभी कभी बॉडी का नाम देता है, इन दोनों को याद रखेंगे आप, ठीक है। अब ये जो हमारा भाग होता है ये क्या होता है, ठीक है, ये तीन भाग होते हैं। अब इसे बनाया कैसे जाता है, ये हमने तो नाम जान लिया इसके पार्ट्स हो गए कि हेड होते हैं, दूसरा हमारा बॉडी अथवा सैक होता है, हमारा टेल होता है। अब इसे जो हमारा हेड है
हेड की ऊंचाई, हेड मतलब जो हमारा ये ऊपरी भाग है, लिमिट का, लिमिट का ऊपरी भाग जो है कितना ऊंचा होना चाहिए। अगर हम स्मैश हेड अगर हम बनाते हैं, हर लिमिट जो है अलग अलग है, ठीक है। अभी हम लिमिट का सिर्फ एक स्ट्रक्चर जान रहे हैं, इसका जो हमारा हेड होता है, इस हेड की जो हमारी ऊंचाई होती है कितनी होती है, 0.7 डी होती है, 0.7 डी। डी का मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है, यानी हम लिमिट का कितना डायमीटर। और ये जो हमारा होता है भाग, इसे हम करते हैं, जो हमारा प्लेट वाला भाग है, ये होता है 0.95 डी होता है। और लिमिट की हेड की चौड़ाई, जो हमारा लिमिट है उसका हेड की जो चौड़ाई होती है कितनी होती है, 1.6 डी होती है। कितनी होती है, 1.6 डी। अभी हमारा अलग तरीके से ड्रॉ किया
बताया जाता है कि ये जो प्लेटें हैं अलग अलग प्लेटें हैं, ठीक है, सेम प्लेटें नहीं है, अलग अलग। ये देखो इसका सेक्शनिंग अलग है, इसका सेक्शनिंग अलग है, तो ये अलग अलग प्लेटों को दर्शाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे प्लेट की मोटाई कुछ भी हो सकती है, अब हम कैसे जानेंगे कि हमें अगर कोई प्लेट है, कैसे हम जानेंगे कितना डायमीटर का हमको लिमिट लगाना चाहिए। अगर नॉर्मली है, अगर आप काम कहीं कर रहे हैं, आपको प्लेट मान लेते हैं कि ये हमारा 3 mm मोटा प्लेट है, कितना है 3 mm ये है, 3 mm ये भी है, तो हम कैसे जानेंगे कि कितना मोटा प्लेट इसमें यूज करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है, हाँ, लिमिट का डायमीटर निकाल लेंगे, डायमीटर डायमीटर ऑफ लिमिट जब निकालते हैं, इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और डी इज इक्वल टू होता है 1.23 होता है, 1.23 जनरली अगर हम यूज करते हैं 1.23, तो 1.23 टी हमारा कितना 3 है, जब हमारी दो प्लेटें हैं तो कितनी हो गई 6 मिनट की होगी। तो यहाँ पर देखो 1.2 × 6 12 × 72 है, 7.2 mm का क्या लगेगा डायमीटर, डायमीटर का कितना लगेगा, तो लगेगा 7.2 जो है mm का डायमीटर लगेगा, जो ये है इसे कम मोटाई हो जाएगा, समझ पाया। उसके बाद हेड की चौड़ाई जब आप निकालोगे तो वही डायमीटर आप रखोगे, ठीक है, कितना रखोगे 7.2। अब 7.2 यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, तब जा करके लिमिट बनेगा। लिमिट बनने के बाद तब इसको जो है हम प्लेटों में होल किया जाएगा, होल किससे किया जाता है, ड्रिल से किया जाता है, ठीक है। और जब हम एक साइड हमारा हेड बना होता है और दूसरी साइड जब हमें हेड बनाना होता है तो किसके द्वारा बनाते हैं, डोली के द्वारा। डोली क्या है, एक टूल से है, ठीक है, जिससे टेप को क्या किया जाता है, बर्न कर दिया जाता है, लाल कर दिया जाता है, और इसे गर्म करने के बाद डोली के द्वारा इसका एक सेप बना होता है, डोली के द्वारा इसे लगा करके बाल की नहमल की सहायता से हम इस हेड को बना लेते हैं, समझ में आया। तो ये रहा हमारा लेफ्ट जॉइंट का फ्रंट भाग। अभी हम इसके बाद चलते हैं इसका टॉप व्यू, फ्रंट का टॉप व्यू बनेगा, तो इसको देखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। आप लिखेंगे फॉर्मूले के तौर पर। अब जब हम इसकी बनाते हैं इसका टॉप, तो देखिए ये हमारी सेंटर लाइन है ना, ये सेंटर लाइन चला रहे हैं, एकदम सिंपल है, अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो सारा कुछ कर लेंगे। ये हमारी प्लेट है, तो प्लेट चली जाएगी इधर, ये प्लेट का लाइनिंग है, ये भी हमारी प्लेट की लाइनिंग है। अब ये ध्यान देना है जो हमारी प्लेट है ना, ये 10 degrees पर टर्न होता है, कितने डिग्री पर 90 degrees, यानी ये जो एंगल होगा हमारा ठीक है, यहाँ पे ओके, ये हमारी इस प्लेट पे हो गई और ये हमारी इस प्लेट पे। अभी इस प्लेट का है, इस प्लेट का भी ध्यान दिलाएगा, ये प्लेट का भी क्या, जितनी लाइनें हैं आपको दिख रही हैं वो लाइनें आपको खींचना होगा। खींचने के बाद आप क्या करोगे कि जब हम लिमिट बनाते हैं, लिमिट का जो हम यूज करते हैं प्लेटों के अंदर, कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन क्या दर्शाता है कि जब हम इस लिमिट का यूज करेंगे तो अगर हम ये हमारी मान लेते हैं अगर प्लेट है, क्या है ये हमारी क्या होगी, मान लेते हैं ये हमारा एक लिमिट होगी पहला भी, ठीक है, ये 3 लिमिट हमने यूज किया। अच्छा आप ये जो है इसके अंदर करता है
टाइम भी रखना होगा। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिमिट प्लेट से लिमिटिंग कितनी रखनी चाहिए, क्यों रखी जाती है, ताकि ये लिमिट जो जो हमारी प्लेट है ये फट ना पाए। अगर हम कम रखेंगे तो लिमिट का जो प्लेट है ना वो फट जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा, जैसे ब्रिज बन रहा है तो वहाँ क्या होगा, फट जाएगा, फटेगा तो हमारी वो ब्रिज क्या होगी, टूट सकती है, जिससे दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती है। अच्छा पहला जो लिमिट है, पहले लिमिट से दूसरे लिमिट के बीच की दूरी कितनी रखनी चाहिए? अच्छा पहला लिमिट से दूसरे लिमिट की दूरी को क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। इसको बोलते हैं पिच। अब पी बराबर कितना रखते हैं? 3D रखते हैं। समझ में आ रहा है? पी बराबर कितना रखेंगे? 3D। तो दूसरा भी अगर लिमिट हम लगाएंगे कितना दूरी रखेंगे? 3D रखेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे वर्ड ड्राइंग, ठीक है? धन्यवाद।